सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर सेवन इस वक्त हम हथनी पंचायत में हैं जरा गाड़ी एक बार दिखा दिया जाए ये मुखिया जी की गाड़ी है और इस गाड़ी में अभी विराजमान है काजल तीन दिनों के लिए इनको मुखिया बनाया गया है एक कंपटीशन हुआ था जीके का जिसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त की थी और जो यहाँ के वर्तमान में जो मुखिया है निर्वाचित मुखिया है उनका ये दावा था कि जो भी इस कंपटीशन में प्रथम आएगा उसको तीन दिन के लिए मुखिया बनाया जाएगा उसी के फलस्वरूप काजल जो है वो मुखिया बनी है बहुत बहुत स्वागत है काजल आपका चैनल में आप इसी पंचायत की हैं हाँ कौन से गाँव में आप रहते हैं गाँव आप रूपहत्था गाँव में रहती हैं तो कॉम्पिटिशन हुआ था किस दिन कंपटीशन हुआ पच्चीस जनवरी को पच्चीस जनवरी को तो काजल अब तो आप तीन दिन के लिए मुखिया बन गई हैं आज कौन सा दिन विजिट चल रहा है आपका दूसरा दिन दूसरा दिन है क्या क्या देख पा रही हैं अपने गांव में बाबू अपने गांव में तो अभी हम हथनी पंचायत में हैं तो वहां पर बहुत लोगों से मिले बहुत लोगों की समस्या जानने की कोशिश किए तो इसमें सब लोग तो ज्यादातर समस्या नहीं है क्योंकि जो मुखिया जी है वो अपना काम बखूबी निभाते हैं तो फिर भी मुझे कुछ समस्या दी गई तो मैं उन लोगों की समस्या का समाधान समस्याएं क्या क्या नजर आये मुख्य समस्या यही थी कि लोगों को राशन कुछ लोगों को राशन नहीं मिल पाया राशन नहीं मिल पाया देखिए बच्ची के हाथ में एक डायरी है हम बाबू डायरी दिखाना चाहेंगे ये जो डायरी है ये ले करके घूम रही है गाड़ी में और इस पर बहुत सारी समस्याएं जहाँ जहाँ जा रही है लोग बताते जा रहे हैं और ये नोट करती जा रही है तो इस डायरी पे लगभग कितनी समस्याएं लिखी है लगभग बीस पच्चीस हो गया होगा बीस पच्चीस हो गया तो इस पे काम होगा हाँ होगा मुखिया जी को बताइ हो कि हम समस्या लेके आएंगे आपके पास हाँ बोले हैं तो मुखिया जी बोले हैं कि जो आपके नजर में समस्या दिखेगा हाँ। वो आप लिख लीजिएगा हम उस हाँ। समस्या का समाधान करेंगे समाधान करेंगे देखिए ये बात इनके जितने भी पंचायत के लोग हैं सबको पता है और यही कारण है कि जहाँ भी इनकी इनकी ये चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हो जा रही है लोग समस्याएं लेके इनके सामने आ जा रहे हैं और इनके डायरी में लिखवा रहे हैं तो कैसा लग रहा है मुखिया बन अभी मुझे बहुत खुशी हुई है की मैं तीन दिन के लिए मुखिया बनी हूँ अच्छा एक बात बताओ तुमको इसमें राजनीति में रुचि है कभी मन हुआ कि हम भी विकास मुखिया होते नहीं मुझे ज्यादा राजनीति में पसंद नहीं है ज्यादा राजनीति नहीं पसंद है थोड़ा बहुत तो पसंद हाँ, है थोड़ा बहुत तो क्या बनना चाहती हो काजल आगे अभी तो हम पढ़ना चाहते हैं ठीक है तो अगर मतलब आगे हम पढ़ सके तो आगे बहुत कुछ बन मतलब सकते। पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है हां क्या करना है एक सपना होता है बच्चों के मन में कि हम भाई आई बनेंगे हम पी निकालेंगे क्या आपका सपना यूपीएससी लिखा कर आईएएस आईएएस एस बनने का सपना है तो देखिए काजल जो है इनका सपना आई बनने का है और अभी वर्तमान में इन्होंने क्वीज में जो है अव्वल आया और जो है इनको मुखिया बना दिया गया है इस पूरे पंचायत का और लोग देखिए यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं जहाँ भी काजल जा रही हैं लोग इनको अपना तीन दिन के लिए वर्तमान मुखिया मान करके और इनके इस डायरी पे सारी समस्याएं लिखवा रहे हैं और उम्मीद है कि जो डायरी की जो समस्याएँ हैं उनका जो है हल निकलेगा काजल आप स्कूलों में घूम रही हैं और चूँकि आप पढ़ किस क्लास में पढ़ती हो नाइन्थ नाइन्थ में पढ़ती हो कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि बुनियादी व्यवस्थाएँ क्या होनी चाहिए तो स्कूलों में क्या देख पा रही स्कूलों में तो हम गए हैं तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है हाँ। और खाना पीना भी बहुत अच्छा है आ, तो बस वहाँ पर एक ही चीज की कमी है कि फील्ड नहीं है बच्चे को खेल खेलने में दिक्कतें होती है आ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ तो खेल भी जरूरी है नहीं, तो नहीं। मैं सर, आगे सरकार से यही गुंजाइश करूंगी कि बच्चों को खेलने के लिए एक फील्ड और जिम की व्यवस्था करें बिल्कुल तो आप फिल्मों में और धारावाहिकों में आप देखा करते थे वो अभी चरितार्थ हो रहा है हमारे सामने काजल जो है वो तीन दिनों के लिए मुखिया बनी है ऐसे सीएम बने थे नायक फिल्म में बाकी एक धारावाहिक चलता था निमकी मुखिया कभी देखी थी मुखिया देखी हो तो उसी तरह का जो है चित्रण पर नजर आया गांव में घूम रही है काजल अच्छा काजल जो नल जल योजना है वो किस तरह से नजर आ रही है आपको नल जल योजना तो बहुत अच्छे से चल रही है कहीं भी कुछ चीज की कमी नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आपको मुखिया जी सिखा पड़ा दिए नहीं सिखाया नहीं है इसमें मुखिया बन जाओ और यही यही बोलना नहीं नहीं सिखाने के बता हम खुद से बोलते हैं जो बोल रहे हैं ना कोई आपको दबाव नहीं है नहीं दबाव नहीं है चलिए तो ये देख करके देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि पंचायत स्तर पे जो है कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनसे कि बच्चों का जो मनोबल है अभी देखिए काजल का जो मनोबल है कितना बड़ा हुआ है काजल एक और अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे कि जितने भी मुखिया जी जितने भी मतलब हमारे देश में गांव हैं उनके जो मुखिया हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि, कि किस तरह से काम होना चाहिए हम उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने काम एकदम अच्छे से निभाए और वो जैसे हमारे पंचायत के मुखिया जी एक कंपटीशन रखे थे उसके दौरान हम मुखिया बने तो वो उन लोग भी कुछ ऐसा ही करें जिससे बच्चों को पढ़ाई के प्रति या कुछ और के प्रति जागरूकता है एक सवाल और भी करेंगे कि अभी आप मुखिया बनी हैं तीन दिनों के लिए इसके पहले आप और इसके तीन दिन जब आप दो दिन घूम लें क्या ऐसी चीजें आपके नॉलेज में बढ़ा है जैसे कि जो चीज ऐसा लगा हो हम पहले नहीं जानते थे अब हम जानने लगे कि हमारे पंचायत में ये ये चीजें हैं या फिर ये ये योजनाएं हैं कुछ ऐसा नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हाँ हुआ बहुत कुछ आपको जानकारी मिली कि हुँ. ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। जी मिला ना क्या क्या जैसे एक जैसे तो मुझे नहीं पता था कि इतने गरीब आदमी भी हैं हाँ। जो जिनको खाने की दिक्कतें हैं हाँ। तो मैं एक नॉलेज मिला कि उन गरीब आदमियों की सहायता करनी चाहिए हाँ, हाँ, फिर हाँ। आगे जो राजनीति है उसमें भी कुछ पता चला कैसे बिल्कुल तो ये एक जीरो ग्राउंड पर जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों का तो इस तरह का की चीज़ें होनी चाहिए और अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद थे बहुत बहुत धन्यवाद काजल आप हमारे साथ जुड़ी अब आप घूमिए और लोगों की समस्याएं अपनी डायरी में इंकित कीजिए प्रयास कीजिए कि सारी समस्याएं हो जाए तो आप यूँ ही घूमते रहेंगे आप जुड़ रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ सुपर सेवन धन्यवाद